फिर मैया। एक बार प्रसंग आवे भागवत जी में कि जब ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, तो जब वो मैं कभी कभी कथा में सुनाऊं कि मैया ने ठाकुर जी को पादुका पहना दी, तो ठाकुर जी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली का कर रो लाला? बोले मैया तेने मुंह को पादुका पहनाई कि मेरे पामन में कांटे ना लग जाए, अब गैयान को भी पहना दे चल। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले चोना पहने? बोले जे तो जानवर है ना। इस बात को सुनकर के ठाकुर जी इतने रोए इतने रोए इतने रोए। मैया ने खूब मनाए लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी, लाला काय को रो रो, मुको बता तो सही। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों लेके बैठ गई लाल जी को। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो इतने दिनाते यूं सोच रहा हूं कि मैं इंसान हूं, पर मुको आज पता चली कि मैं भी जानवर हूं। मैया बोली लाला ऐसो काय को सोचे? बोले क्यों? मैया मैं गैया को रोज दूध पीऊं वाकू मैया मानू, मैंने तो सोची कि जाको दूध पी मैं वो हमारी मैया रे, लेकिन आज तेने वाकू जानवर बतायो तो मैया गैया को दूध पीऊं तो वो जानवर, बचपन में तेरो दूध पियो तो तू जानवर, और तेरो दूध मैंने पियो तू जानवर तो मैं जानवर। नंद बाबा यशोदा मैया कान में बोले तुरंत क्षमा मांग के कहो कि गैया जानवर नहीं है, तभी मानेगो लाला। यशोदा मैया ने कान पकड़े, लाला अच्छा ठीक आज के बाद ना कहूंगी, ठीक है गैया मैया, जैसे मैं मैया वैसी गैया मैया। तब ठाकुर जी के आंसू रुके, तब गैया चरावे गए लाल जी। तुमने गैया ते जानवर कह कैसे दई, या बात पर रोए। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। तो भैया एक बात हमारी सुनो, दुनिया भर के हम पे प्रश्न आते हैं कि महाराज जी ठाकुर जी हमसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? कोई कहता है कि हम 5000 जप करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे, कोई कहता है हम बड़े बड़े उत्सव करते हैं तो ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे, हम गिरिराज जी के हर महीना परिक्रमा लगाते हैं ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे, हम बड़ी बड़ी कथाएं कराते हैं ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे, हम बड़ी बड़ी कथा करते हैं ठाकुर जी हमसे प्रेम करते होंगे। ये सब मन बहलाने वाली बातें हैं। मूल रूप से ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसके अंदर तीन लक्षण होंगे। सबसे पहले कथा के प्रति अति रुचि, एक तो होती रुचि और एक होती अति रुचि। मतलब पता चल जाए कि कोई कथा एवे वारी है तो 100 काम बाद में पहले कथा सुनेंगे जाके, ऐसी रुचि चित्त में है तो समझो आप ठाकुर जी के प्रेमी। दूसरी बात, जितनो आनंद जितनो सुख आपको श्री ठाकुर जी को मंदिर में देख करके होवे उतनो ही सुख उनके वैष्णवन को देख करके है जाए तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। अरे एयरपोर्ट पर अमेरिका में कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे कोई तिलकधारी दिख गयो कंठीवारो दिख गयो नाचन लगे आप मानो जैसे राधारमणी दिख गए हो, इतने आनंद में भर गए वाकू देख करके, भले ही परिचित नहीं है अपरिचित है तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न। और तीसरा, गैया और गैया से उत्पन्न हेवे वारी दूध घी दही आदि आदि गौरस और पंचगव्य यानी कि गौमूत्र गौ गोबर आदि, इनके प्रति घृणा बुद्धि नहीं होना। अगर इनके प्रति कहीं भी घृणा बुद्धि है, गैया को गोबर देख के गौमूत्र देख के नाक बंद कर रहे हैं, हम नहीं रुक सकते यहां पे, बैठा ही नहीं जा रहा इतनी दुर्गंध आ रही है। सो ठाकुर जी के मंदिर में जब तुम जाते हो ठाकुर जी नाक बंद कर लेते हो, जा में तो दुर्गंध आ रही है मुंह, मेरी गैया तो या दुर्गंध आवे या तो मुंह दुर्गंध आ रही है। तो तीन लक्षण, कथा प्रिय लगे, भगवत भक्त प्रिय लगे और गैया प्रिय लगे तो समझो ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो। बाकी सब साधन तो केवल पुण्य अर्जन करने के लिए होते हैं, नाम जप यज्ञ व्रत अनुष्ठान परिक्रमा, यहां से तो केवल पुण्य कमा रहे हो आप। ठाकुर जी को कमानो है तो इन तीन चीजों से प्रेम करो, कथा वैष्णव और गैया। तो गैया के पास में लेके गए और ठाकुर जी को झाड़ो आदि दियो, इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। अब आगे राजा परीक्षित ने
सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम, क्योंकि अब सीधे पूतना मर्दन की कथा के बाद सुखदेव जी सीधे पहुंच रहे हैं, 3 महीना के है गए ठाकुर जी। तो प्रश्न मन में उठा कि भैया ये जब एक एक दिना इतने विस्तार से बता रहे, तो फिर 6 दिना के बाद सीधे 3 महीना पे ही क्यों पहुंचे, बीच में ठाकुर जी की कोई लीला ही नहीं बताई। तो बोले परीक्षित को थोड़ा भय लगने लगा, आनंद तो बहुत आ रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं ठाकुर जी की लीला सुन के, लेकिन मन में थोड़ा सा हल्का सा संकोच उसके चित्त में आया कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं बस, और आज 5वां दिन है, मतलब परसों तो तक्षक सर्प आके डस देगा। उसका भय नहीं है परीक्षित को, परीक्षित को यह भय है कि कहीं परसों का दिन आ गया और ब्रज लीला ही रही, आगे लीला ही नहीं सुन पाया, मैं पूरी कृष्ण लीला विस्तार से नहीं सुन पाया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये अधूरी कथा छोड़ के मुझे नहीं जाना, मुझे पूरी कथा सुननी है। तो उसने चरणों में निवेदन करते हुए कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप जो कथा सुना रहे हैं मैं इतना डूब रहा हूँ उसमें, मैं इतना आनंद में चला गया हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं समय की बाध्यता है, मुझे परसों तक्षक सर्प दस देगा, कम से कम उससे पूर्व में ही आप मुझे संपूर्ण लीला सुनाओ। सुखाचार्य जी बोले, वैसे तो जब तक हम बैठे हैं तब तक तक्षक आएगा नहीं यहाँ पर, लेकिन एक ब्राह्मण ने 7 दिन की अवधि दी है, तो ब्राह्मण ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, तो 7 दिन का मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, इसलिए अब कुछ कुछ प्रसंग ही जो जरूरी हैं, जो बहुत सुखदायी, उनको मैं सुनाऊंगा। इसलिए अब अचानक से श्री सुखदेव जी महाराज 3 महीना, फिर सीधे 1 साल, फिर 3.5 वर्ष, फिर 6 वर्ष, फिर इस प्रकार ब्रज लीला ज्यादा विस्तार नहीं करी भागवत में, उसका विस्तारीकरण फिर अष्ट सखाओं के अपने पदों में किया, भावों में किया, बाद में फिर बहुत विस्तार हुआ, पर उस समय सुखदेव की परीक्षित की समय की बाध्यता देखते हुए सूक्ष्म में ही कहा। ठाकुर जी 3 महीना के है गए, और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भये हैं, 3 महीना के ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली, और करवट बदलते ही महाराज करवट उत्सव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया, अरे बधाई हो, काय बात की बधाई, बोलो नंद के लाला ने आज करवट बदली है, करवट लेनो सीख गयो लाला। अब सब ब्रजवासियों को यह सुख लग रहा है, अभी तो करवट लेनो सीखो, एक अजुदना में बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर हमारे घर आए करेगो, हमारी गोद में बैठे करेगो, हम ते काका बोलेगो, हम ते चाची बोलेगो, हम ते भाभी बोलेगो, सब लोग उस उत्साह में उत्सव मना रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनन लगो। ठाकुर जी एक बैलगाड़ी के नीचे सुवा दिए मैया ने, लो महाराज 7 तो बजे ही गए, आज गोवर्धन उत्सव होना, हमें तो लगे आज कथा ज्यादा लंबी जाएगी, कोई नहीं, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुनियो, आनंद से सुनो, कोई दिक्कत तो ना है ना, जिनको जानो हो अगले पद में चले जाओ, हम कोई भजन गाएंगे तब चले जाइए, हम तो कथा आज आराम से करेंगे, लाल जी इतने 56 भोग सजे बढ़िया सब पाके जाएंगे। भगवान को एक बैलगाड़ी के नीचे सवाई दियो, तभी सक्टासुर आ गयो, भगवान ने एक पाम लंबो करके सक्टासुर को वध कर दियो, सकट भंजन लीला सुनाई गई। तत्पश्चात एक दिन भगवान यशोदा मैया की गोद में पौढ़े भए, तभी कंस के द्वारा भेजो गयो 3रो राक्षस आयो, वह को नाम का तृणावर्त, और तृणावर्त जैसे ही आयो, भगवान ने मन में विचार करी, शिव गुरु जी आए पीछे से लेके, इधर देखो यहां देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तृणावर्त नाम का दैत्य आया, भगवान मैया की गोद में पौड़े भए, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, ये बवंडर के रूप में तृणावर्त आयो है, हमको उड़ा के ले जाएगो, और कहीं हमारे संग यशोदा मैया को ले गए हो तो या को मार नहीं पाएंगे।
तृणावर्त के आके आवे के सूचना जैसी ठाकुर जी को पता चली, भगवान ने दूध पीते पीते अपनो इतनो वजन बढ़ा लियो, यशोदा मैया के पामन में भार लगन लगो। मैया बोली, मुझे लगे लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो दिखे, हैं इतनो भारी है गयो। सो यशोदा मैया ने आंगन में पलना में ठाकुर जी पड़ा दिए, स्वयं भीतर चली गई। ठाकुर जी बोले जे ठीक है। इतने में तृणावर्त आयो और महाराज जैसे ही उठा करके ठाकुर जी को आकाश में ले गयो, भगवान ने आकाश में जाते ही तृणावर्त को गरो पकड़ो और पकड़ करके नीचे पटक दियो और तृणावर्त को वध है गयो। सब ब्रजवासी दौड़े 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 गए, अरे लाला हवा हवा उड़ा के ले गो, हवा उड़ा के ले गो, उसको हवा बोलते हैं आज भी। अरे नेक्स्ट से लाला को हवा उड़ा के ले गो। सब पीछे पीछे दौड़े, थोड़ी दूर जाकर के देखा तृणावर्त शांत, ठाकुर जी एक शिला पर अब बैठनो सीख गए, नेक्स्ट जैसे बैठे भये और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया ने जाके हृदय से लगायो, कहीं लाला को लगी तो नहीं, सब सुरक्षित। सब ब्रजवासी जब भी कोई राक्षस मरता है तो पता क्या सोचते हैं, बोले भैया हमारे ब्रज की इतनी निष्ठा, हमारे ब्रज की इतनी महिमा है, ये राक्षस आमे तो हैं या ब्रज में कछु ना कछु उत्पात करवे, पर या ब्रज की सीमा में इतनी महिमा है कि या में भजन करवे वारो ही रह सके, और इन सबन के भजन ना है या हमारे ये ब्रज में आती मर जा में। कोई ये ना सोच रहे हो कि ठाकुर जी मार रहे हैं उन्हें, सब यूं सोच रहे हैं ब्रज में कोई प्रवेश ही ना कर सके बिना भजन के। अरे यहाँ तृणावर्त के वध में लिखा भी है कि सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले अपने पाप ते मर गो, हमारे ब्रज में पापी रही ना सके, टिक ही ना सके, पूतना ही मर गई, सकटासुर आयो मर गयो, तृणावर्त आयो जो मर गो। किसी के भी मन में ये नहीं आ रहा है कि नेक सो लाला ही मार रो है। एक जगह वर्णन भी आता है कि जब भगवान ने सकटासुर को मारा तो मैया ने पूछी, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? तो ब्रजवासी बोलो, मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। मैया तेरो नेक सो लाला है ना, जाने अपनो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, ऐसे करके मैया याने बैलगाड़ी मारी, सुई बैलगाड़ी पलट गई। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। मैया वा बालक को अपने पास बुलावे, एक रेम्पटो दियो। अरे झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र की मोते आनंद ले रो है, मेरो 3 महीना को लाला जाने इतनो लंबो पाम कियो अपनो। वो बालक बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी जाने इतनो लंबो पाम कियो। मैया ने पकड़ के दूसरा रेम्पटो दियो, भाग जाए यहां, दिखियो मत, सौगंध और खा रहा हूं मेरी, मेरो लाला नेक सोसो इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरा सके। ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को किंचित ये भाव ही नहीं आता कि मैं कर रहा हूं। आहा, यही तो प्रेम है। मैं कहा करता हूं कि प्रेमी व्यक्ति को प्रेम जब होता है ना, तो प्रेम में कभी प्रभुता का दर्शन नहीं होता, प्रेम में किसी के ईश्वरत्व का दर्शन नहीं होता। प्रेम में कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी योग्यताएं नहीं दिखती हैं, वो सामान्य ही लगता है। और जहां योग्यताएं दिखती हों, जहां श्रेष्ठताएं दिखती हों, तो समझ जाओ कि वहां प्रेम नहीं है, आकर्षण है। ठाकुर जी 1 बरस के है गए, अब 1 बरस के लाला है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं भयो। तभी श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के दोनों बालकन को नामकरण कियो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमय श्रुहिदो गुणै आख्यास्यते राम इति वलाधिक्याद वलं विदु। मैया, ये आपका जो बालक है, ये रोहिणी का पुत्र बलराम, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण इनको संसार बलराम कहकर के पुकारेगा। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
परम सौभाग्य है। परसों कथा में पूज्य पिताजी महाराज आए, हमारे दीक्षा गुरुदेव जिनसे हमको दीक्षा मिली, और आज हमारे शिक्षा गुरुदेव पधारे हैं जिन्होंने बालक की उंगली पकड़ करके हमको व्यासपीठ पे जिन्होंने बैठाया वो पधारे हैं। ऐसे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री शिव प्रसाद उपाध्याय गुरु जी आए हैं, क्योंकि ब्रज की कथा है, ब्रज में जब भी अवसर होता है रहने का तो गुरु जी से प्रार्थना रहती है कि गुरु जी आप नित्य पढ़ाओ। हम कथा करने आते उससे पहले गुरु जी पढ़ाने ही आते हैं, रोज पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ नए नए विषय चिंतन होते रहते हैं। तो आज गुरु जी से प्रार्थना की कि आप पधारें, तो आज अभी विद्यालय से ही आ रहे हैं सीधे, क्योंकि नित्य विद्यालय होते हैं, सब बालक पढ़ते हैं वृंदावन में। ऐसे हमारे गुरुदेव पधारे, आप सब श्रोता मथुरावासीन की ओर से गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। तो बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने बताया, बोले मैया ये रोहिणी नंदन है, इनका नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। इनके और भी कई नाम होंगे, संकर्षण आदि। और अब आए छोटे लाला की बारी, और छोटे लाला के अनेक भाव कहते भए, गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हो गए, अनेक अनेक भाव सब सुनाते हैं, भागवत जी में वर्णन भी है। परंतु श्री गर्गाचार्य जी समाधिस्थ हुए, और समाधिस्थ के बाद जब पुनः अपने भाव में आए तो नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे कि बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यं वेदनो जना। मैया आपको जो छोटो लाला है ना, या के एकाद नाम ना है, या के तो बहुत सारे नाम है, गुण के अनुसार कर्म के अनुसार आपके इस बालक के अनेक नाम। अच्छा एक बात सुनिए, कल ही गुरुजी से चर्चा हो रही थी गणपति के विषय में, श्री गणेश जी के विषय में, तो गुरुजी ने एक बात बताई, बोले कि देवताओं के नाम उनके गुण और उनके कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे उनके गुण होते हैं, जैसे वे कर्म करते हैं, जैसे उनकी क्रिया होती है, वैसे उनके नाम रखे जाते हैं। हमारा उल्टा है, हमारे नाम रख दिए जाते हैं भले ही हमें वो गुण बिल्कुल ना हो। बहनों का नाम है गीता, लेकिन गीता जी का एक श्लोक भी नहीं आता है। किसी का नाम है अब सबके अलग अलग नाम है, पर वो कईयों को तो अपने नाम का अर्थ ही नहीं पता। आजकल एक नए गुरुजी आए हैं संसार में, गूगल गुरुजी, वो नामकरण करते हैं सबका। टॉप 10 नेम फॉर बॉयज, अक्षर क्या है टी, वो बता दे, वो ये नाम धरो। ऐसा नहीं, हमारे यहां नामकरण हो जाता है भले ही वो नाम के अनुसार गुण भीतर आवे चाहे नहीं आवे। हमारे साथ बहुत बढ़िया, हमारा नामकरण हुआ, गुण तो नहीं आया पर सेवा जरूर आ गई है। गुरुजी हमारे पिताजी ने हमारा नाम का रखो इंद्रेश, इंद्रस्य ईशः, जो इंद्र के भी ईश्वर हैं। इंद्र के ईश्वर कौन है? जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, 7 दिना 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, 7 दिना में ही महाराज इंद्र को चौकड़ी याद आ गई अपनी, तुरंत चरणन में आयो, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। वही समय ठाकुर जी को नाम पड़ गया इंद्रेश। तो हम इंद्रेश तो नहीं बने, पर वही गिरधर गोपाल सेवा में आ गए, ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं। तो भले ही गुण कर्म नहीं आए, गुण नहीं आए हो, लेकिन कर्म तो आ गए, और नाम के अनुसार। ऐसे ही अपने नाम ढूंढो आज सबरे। अगर कोई को नाम गीता है तो 700 श्लोक याद करने ही पड़ेंगे बाकी अगर किसी का नाम राम है तो उसको पतिव्रता होना चाहिए, उसको पत्नी व्रत धारण करना चाहिए।
अगर कोई को नाम कृष्ण है तो या को मतलब ये नहीं 16,000 ब्याह कर ले। अगर नाम कृष्ण है तो ज्ञान धारण करे, अगर नाम कृष्ण है तो सबका हितैषी बने, सबका प्रिय बने, अपने नाम के अनुसार। नाम सागर है तो सागर के समान धीर बने, गंभीर बने, चंचलता अपने चित्त से त्याग करे। नाम प्रेम है तो प्रेम ही दिखे, प्रेम में ही रहे। नाम दीपक है तो प्रज्वलित करे, जो आए उसको प्रकाशित करे। ऐसे अपने नाम आज ढूंढो सवरे, अपने नाम का अर्थ, और फिर देखना मैं हूं ऐसा। नाम तो दयाराम और लिए डंडा डोला सबन के पीछे मार तो भे हूं, ऐसो काय बात को भैया। नाम है गंगा तो गंगा की तरह शीतलता हो, गंगा की तरह पवित्रता हो, जो संपर्क में आए वो भी पवित्र हो जाए। आज बहुत बढ़िया सूत्र मिल रहा है कि भैया हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ अपने अंदर करने का प्रयास करते हैं, ये शुद्ध करेंगे, अब यही करो। बोले जो नाम है वैसे हम है जाएं, जैसा नाम है वो गुण हमारे भीतर आ जाए। अब देखना मैं निश्चित दावे से कह रहा हूं, कल मंच पे एक ऐसे नामों की लिस्ट आएगी जिनका पूछेंगे इनका अर्थ क्या होता, महाराज जी ये बताओ इनसे क्या सीखे। तो गुण और कर्म के अनुसार नाम रखे जाते हैं। अरे कहां तक कहें, राक्षसों के नाम भी गुण और कर्म के अनुसार ही थे। हिरण्यकश्यप जो स्वर्ण की तकिया, कश्यप कहते हैं तकिया लगा के सोता हो, हिरण्यकश्यप। भोग वृत्ति लोभ जिसके अंदर अधिक मात्रा में, वो हिरण्यकश्यप। और संग्रह वृत्ति लोभ, इकट्ठा करने वाला लोभ जिसके अंदर हो, उसका नाम हिरण्याक्ष। उसकी आंखों में ही हिरण्य मतलब सोना ही सोना दिखता है उसको। तो राक्षसों के नाम भी वैसे ही होते थे, देवताओं के नाम। तो भगवान के लिए गर्गाचार्य जी बोले एक गुण हो तो एक नाम रखूं, पर आपके लाला के तो अनेक गुण होंगे, अनेक कर्म होंगे, उनके अनुसार आपके लाला के तो अनेक नाम है। मैया बोली बाबा ऐसा मत करो, एक ही नाम बताए दो, मैं अपने लाला को कैसे पुकारे करूंगी। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्णास्त्रयोस्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। बोले आपके ये लाला कभी शुक्ल वर्ण के हुए, कभी रक्त वर्ण के हुए, इसके वर्ण कई बार बदले। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी कभी श्वेत वर्ण के भी रहे हैं, कभी रक्त वर्ण के भी रहे हैं, कभी पीत वर्ण के भी रहे हैं। इस बार आपका लाला कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम हम कृष्ण रखते। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया, कृष्ण। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार है। अब तो मैया ने बहुत सारे नाम धर दिए, कन्हैया, कनुआ, गोपाल, सब नामों से बुलाने लगी। अब ठाकुर जी एक बरस के गए, नेक नेक चलनो सीखन लगे हैं, नेक नेक बोलनो सीखन लगे हैं। अब मैया ताल बजावे तो वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपनी दोनों भुजा उठा के नृत्य करें। मैया सब गोपीन को बुला बुला करके अपने लाला की नई नई लीला दिखावे। अरे देखो आज लाला जे बोलनो सीख गो, आज लाला जे करनो सीख गो। मैया ने ठाकुर जी को याद करा दिए, बोले लाला तेरी नाक कहाँ है, सो ठाकुर जी नाक पकड़े अपने जेरे नाक। लाला तेरी आंख कहाँ है, सो ठाकुर जी ऐसे अपनी आंख करें। छोटे छोटे बालकों को सिखा देते हैं आईस कहाँ है बच्चे, आईस बताओ, ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए, लाला तेरी जीभ कहाँ है, सो ठाकुर जी जीभ निकारे जेरे जीभ। अब सब गोपियां घेर के बैठी हैं, सब पूछ रही लाला तेरे पाम कहाँ है, सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े, तेरे हाथ कहाँ है जेरे। एक चतुर गोपी पीछे खड़ी खड़ी बोली लाला तेरे कान कहाँ है, कान। सो ठाकुर जी बाकु यूं देखें, मैया तेरे लाला जी ना पता कान कहाँ है,
अरे ना लाला, तो कल सिखाया तो कान कहाँ है, बता दे कान कहाँ है, जल्दी बता। ठाकुर जी उठ करके गए। ठाकुर जी मन में सोचने लगे, मैं अपने कान पकड़ूंगा, उससे जे मुँह बोले कि चल लाला क्षमा कियो, कान मत पकड़े। ठाकुर जी तो समझ गए वाकई मन की बात। सो ठाकुर जी बोले, मैं कब कान पकड़ूं, अब बोलना तो जाने नहीं नेक्से से। लाला तुरंत उठे, उठ करके वह गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले, जे रे कान, ये कान। गोपी बोली, मैया लाला तो तुम्हारो चतुराई भी सीख तो जा रो है। आहा। दूध न पीवे लाला, दही हू न खावे, दूध न पीवे लाला, दही हू न खावे, माखन मिसरी बड़ो रे खवैया, माखन मिसरी को बड़ो रे खवैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे। यशोदा मैया बता रही हैं, टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे, 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 टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे। मैया कह रही है, टोपी ना पहने पगड़ी ना बांधे, तो ओ मोर मुकुट कहे बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट कहे बड़ो रे, करताल बजा के गाओ, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, हे हे नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे बल बाल कृष्ण लाल की। पहरे लाला जामा न पहरे, धोती न पहरे लाला जामा न पहरे, धोती न पहरे लाला जामा न पहरे। मैया कह रही है, धोती भी ना पहने पजम्मा ना पहने, तो फिर ओ पीतांबर को है बड़ो रे पहरैया, पीतांबर को है बड़ो रे पहरैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, ओ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, हाँ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले,
खिलौना दे दो तो उन्हें फेंक दे। गोपी बोली तो कहा करे तुम्हारो लाला। मैया बोली वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र 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 सखी लख बाल कृष्ण छवि, हस हस कंठ लगावे यशोदा मैया, हस हस कंठ लगावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, ऐसे ठाकुर जी अब धीरे धीरे अपनी लीला प्रकट कर रहे हैं। श्री सुकाचार्य जी महाराज अब ठाकुर जी की लीलान को वर्णन करते भय कह रहे हैं, श्रृंग्यग्निदम जलद्विज कंटके क्रीड़ा परावति चलो स्वसुतो निषेधू ग्रहियाण कृतुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आप तुरलम मनसोन्वस्थां। भगवान की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी गैया के सींग पर चढ़ जा में बैठी भई गैया के सींगन को पकड़ लें, एक तरफ बलराम जी दूसरी तरफ लाला, और दोनों पकड़ के सींगन को खूब जोर से हिला में, सोई गैया खड़ी है जाए
सो लाल जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे कोई फल लटक गो, और फिर चिल्ला में मैया बचाइयो, देख तेरी गैया मार रही है मोकू। पर गैया भी चतुर, जहां गोबर को ढेर वहीं जाके ऐसे झकझोर है, सो ठाकुर जी वहीं गोबर में ही गिरे जाके। कभी अग्नि सो खेले श्रृंगी अग्नि दमष्टि, या के पीछे एक लीला इतनी सुंदर हमारे पूज्य नाना जी सुनायो करते। बोले एक दिना ठाकुर जी जोर जोर से रोन लगे, मैया बोली लाला तू काय को रो रो है। अच्छा ठाकुर जी की लीला में एक बात देखी है कि ठाकुर जी कल की बात पे आज रोमे, कल कोई बात पता चल जाए फिर आज रो रहे हैं, सोच सोच के रोमे। यशोदा मैया बोली लाला तू काय को रो रो। बोले मैया कल तो मेरे संग बहुत बुरा भयो। मैया बोली का है गो। बोले कल मैया गौशाला में एक गैया ने एक 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 बछड़ा ब्यायो, कल गौशाला में एक बछड़ा ब्यायो मैया, एक गैया ब्याई बछड़ा भयो। मैया बोली वो तो रोज ही हूं मैं, 9 लाख गैया है भैया, कहो देना एक एक दो दो बालक भी हूं मैं हमारे यहां तो, या मैं रोवे वाली कहा बात है ना है। मैया कल मैंने वह बालक को जैसी जन्म भयो मैंने देखी, या कि नेक मुंह खोल के तो देखू या कि दांत कितने निकले। और मैया जैसे ही मैंने वह को मुंह खोलो, मैया बोली कहा भयो। ठाकुर जी रोने लगे, बोले बहुत बुरा भयो। बोले भयो कहा मैया वहा के सबरे दांत निकल आए, और मैं 3 बरस को है गो भाई 4 ही दांत निकले मैया। मैया मेरे संग कितनो बुरो भयो, वाके जन्म लेती दांत आगे और मेरे तो अभी दांत ही ना निकल रहे मैया। मैया बोली तो फिर रो काय करो लाला, तू माने ना है दूध पीवे ना है कछुआ और खावे, पूरे दिन मक्खन खातो रे, मक्खन चीकनो होवे वा चीकने के कारण तेरे दांत निकले पर पेट में चले जाए फिर। और मैया तो ऐसी समझाए लाला है। ना है मैया तू मुंह को दोष दे रही है, असली बात मुंह को पता है। बोले कहा मैं जब तेरे गर्भ में हतो तेने जरूर खान पान में कमी छोड़ी मैया, तभी मेरे दांत नहीं निकले। ठाकुर जी की ऐसी मधुर बातन को सुन के लाल जी को ऐसे कस के पकड़ ले मैया, हृदय से लगा ले, कहां ते सीख के आवे इन बातन ने। दमष्टि जल में कूद जाते हैं, फिर बलराम दाऊ दादा से भैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, दाऊ दादा बचावे आमे से उनको खींच के डुबा दें। द्विज संत और ब्राह्मणों को खूब आनंद कराते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी सवेरे सवेरे निकल जाएं तैयार है के नंद भवन से, और राह चलते भय जो मिल जाए वो संत है वैष्णव है ब्राह्मण है सुभा से कहेंगे अरे तुम यहां डोल रहे हो और नंद बाबा यशोदा मैया घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत महापुरुष सभियों के नंद बाबा हमको जाने, अरे जाने यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए तुम्हारे का 56 भोग, जल्दी जाओ घर जाके पाओ वहां पे। ऐसे पूरे गोकुल में ढूंढ ढूंढ के संत और ब्राह्मण को जाके निमंत्रण दिया मैं, घर जाओ घर प्रसाद पियो। यशोदा मैया को स्वभाव है द्वार पे आके कोई कछु कहे मैया प्रसाद पवाओ तो मैया कमी ना छोड़े, लेकिन महाराज 200-300 लोग रोज आ जाएं और सब यूं कहे मैया आप तो हमारी प्रतीक्षा कर रही ना। मैया ने कही तुम तो कौन कहे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। बोले तुम्हारे नेक्स्ट से लाला मिलो यूं करो सवेरे तो 56 भोग बना के तैयारी करके बैठी हो हमारे काजे। ठाकुर जी एक दिन मैया ने पकड़े, मैया बोली अरे लाला यहाँ पे आ, कोई बात बुरी ना है कि घर में संत आए ब्राह्मण आए प्रसाद बने, लेकिन तू पहले बता के तो जाए कर मुए। अब वो घर पे आके कह में, अब कोई आयो दोपहर में कोई आयो सांझ को, अब 24 घंटा रसोई जलती रहे हमारे यहाँ, 24 घंटा पकवान बनते रहे पूरे दिना, कोई ना कोई आता रहे भोजन प्रसाद पावे। अब वो बता तो जाए कर कौन कौन को निमंत्रण दे के आ रो है, बिना बताए निमंत्रण दिया वे पूरे दिना भट्टी चलती रहे घर में काय को करे ऐसो। बोले मैया 2 कारण है। बोले कहा, बोले मैंने एक दिना नहीं गोकुल में कोई बाबा कथा कर रो बा में मैंने सुनी कि संत और ब्राह्मणन को पवावे से लक्ष्मी बढ़े, तो मैया मैं तो तेरो हित चाह रहा हूं तेरी नंद बाबा की। अब ब्राह्मणन सो जाके
उनको अगर यो नहीं कहूंगा कि वो हमारे परिचित हैं तो उनको बुरा लगेगा, या हमारे मैं तो कह दूं कि अरे आप तो हमारे परिचित हो, यशोदा मैया इंतजार करिए जाओ पाओ, ब्राह्मण घर में आके पामे, हमारे घर की लक्ष्मी बढ़ेगी। मैया बोली और दूसरा कारण, तू वो मारेगी तो ना मैया, मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी, ना ना मैया तू पहले मना कर, मारेगी ना तो बताऊंगा। मैया बोली अच्छा चल ना बताऊंगी, बता कहा बात है, दूसरो कारण कहा है। बोले मैया मुँह को यो लगे तू पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी मोटी है गई है, और तेरो वजन कैसे कम होएगो, और पूरे दिन संत आमे आटो मारनो पड़े, सब्जी बनानी पड़े, तो पूरे दिन लगी रहे सुने पतरी सी और सुंदर सी है जाएगी, या मारे मैं तो संत ब्राह्मण ने भेज दूं घर। मैया भागी लाला के पीछे और चौकड़ी मार के भागे, ऐसी ठाकुर जी की लीला। ब्राह्मण और संतों के संग खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी, झूठा झूठा निमंत्रण दे आते हैं सबको। एक दिन गोकुल में जाके सब ब्राह्मणन से क्या है, हमारे घर यज्ञ भयो है, सब भोजन पावे आओ। सब ब्राह्मण आ गए, ब्राह्मण ने आकर के देखी महाराज घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं, यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आके कही मैया आपके घर पे कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे आए। मैया बोली हमारे घर पे यज्ञ कोई और तो करावेगा ना, आप ही लोग कराओगे, और जब आप लोगों ने कोई यज्ञ नहीं कराया तो कहां दे जाएगो। अब कहा करें मैया तुम्हारो लाला निमंत्रण देख के आयो, हम तो अपने घर के चूलान को भुजवा के आए, यहीं पामेंगे। मैया बोली पहले यजमान ढूंढो कहां है, जाने निमंत्रण दियो भाई ढूंढ के लाओ। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग खेल रहे, जैसे ही मैया सब ब्राह्मणन के संग गई, ठाकुर जी ने जैसे ही मैया देखी मधुमंगल तो बोले मधुमंगल आज तो मैया मारेगी, देख वो सौरे ब्राह्मण आ गए, हम तो झूठो झूठो निमंत्रण है, ये तो सांची में ही आ गए घर पे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ के कही अरे लाला उधम मचावे, ए सबरे ब्राह्मणन को कहा निमंत्रण दे, क्या यज्ञ भयो हमारे घर पे। मधुमंगल बोलो मैया यार मत कर चुका मैं बताऊं, बोले नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, सो लाला ने वहां अग्निहोत्र देख ली और बाबा से पूछी बाबा अग्निहोत्र करवे तो कहा होवे, तो बोले जो मन में चाहोगे अग्नि देवता सब प्रदान कर दें। तो लाला ने मोसों आके कही कि आज से हम भी अग्निहोत्र करेंगे। तो मैंने पूछी लाला अग्निहोत्र के बदले कहा चाहवे, नंद बाबा कह रहे अग्निहोत्र करवे तो मन चाही वस्तु मिले। तो लाला कह रो कि मधुमंगल अब बड़े बूढ़े होते जा रहे हैं, अब जल्दी ब्याह होनो चाहिए हमारो, रोज अग्निहोत्र करेंगे जल्दी ब्याह तो होगा, नई नई बहू आ जाएगी। मैया ब्याह के कारण लाला अग्निहोत्र कर रो, तब श्रीदामा ने कही कि ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया। मैया बोरी सबरे आओ तुम एक कम नहीं है, ये ही सबरे सिखामे लाला को, लाला तो सीधो हमारो, जे मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका जे सबरे या को उधम सिखामे। लेकिन ठाकुर जी की लीला देख करके, ठाकुर जी के उधम देख के किसी को क्रोध नहीं आता, सबको सुख मिलता है। ठाकुर जी बोले मैया पहले मेरो कान छोड़। मैया ने कान छोड़ दियो। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मेरो यज्ञ भयो कि नहीं, देख अभी धुआं उठ रहा है, हम यज्ञ करके आए, और पता हमारे यज्ञ में मंत्र कहा हो। मैया बोली कहे ओम स्वाहा, जे हमारो मंत्र, कोई ब्राह्मण नहीं आयो, कोई मंत्र नहीं बोले गए, फिर भी हमारो यज्ञ है गयो, बिना मंत्र और बिना ब्राह्मणन के हमने यज्ञ कर लियो। अब जे सब ब्राह्मण आए हैं, जैसे पूजा पूजा को यज्ञ भयो, ऐसे पूजा ऐसे खेल खेल को इनको भोजन करा दे, सामने पत्तल धर दे, दोना धर दे, और ऐसी भाव या पत्तल में देखो जे पूड़ी डाल दई, और जे हमने मोहन थाल डाल दी, जे हमने दही डाल दी, जे हमने सब्जी ऐसी मैया कर दे, तू भी खेल खेल में इन्हें निपटा दे सबने। ठाकुर जी की ऐसी लीला कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। सब गोपियां उल्हाने के बहाने ठाकुर जी का दर्शन करने गए। सब गोपियां यशोदा मैया से जाके शिकायत कर रही, मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी, रत्न चुराए, सोना चुराए, चांदी कहा चुराए मेरे लाला ने। वो ना मैया, दधिपय दही की और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला, मक्खन की चोरी करे।
यशोदा मैया बोली, मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में नदी बहवे दूध की, मेरो लाला जलते ना नहावे, पंचामृत ते नहावे। ये पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया क्या 9 लाख गैया है, तो यशोदा मैया तो दूध घी दही शहद आदि इन सब ही नहा दे लाला है, तो लाला नहावी ले में। अच्छा ठाकुर जी के मैया, तो मैया मेरो रंग बड़ो कारो, तो एक काम करे कर मैया, या तो नवाए कर मुए दूध ते नवाए कर। और ठाकुर जी कहा करें, जैसे मैया पंचामृत ते नवावे, बीच बीच में जीव निकार के चाटू ले, पेट भी भर जाए स्नान भी है जाए। ठाकुर जी को पंचामृत बड़ो प्रिय है, पेट भी भर जाए, स्वाद भी आ जाए, स्नान भी है जाए। एक पंथ तीन काज, दुनिया में एक पंथ दो काज तो नहीं होंगे, पर पंचामृत में तीन काम हूं मैं ठाकुर जी के, स्नान स्वाद और पेट भर जाए, तीनों काम है जाए। यहां हमारी यशोदा मैया पंचामृत ते नहावे ठाकुर। मैया बोली, मेरो लाला दूध घी दही मक्खन में स्नान करे, और तुम बाकी कह रहे हो चोरी करे तुम्हारे यहाँ के। अरे बालक उनको स्वभाव हो, वह कभी कभी दूसरे इनके घर को बढ़िया लगे, आके ने खा लियो सो शिकायत कर भी आ गई। बोले मैया, तुम्हारो अकेलो बालक आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कि मर कान भोक्षण विभजति सचिन नात्रि भांडम भिनत्ति। बंदरन की सेना लेके चले संग में, ग्वाल बाल तो संग चले ही हैं, बंदर भी चले सबरे आके, स्वयं खावे ग्वाल बालन को खवावे, और नेकाद हमारे काज प्रसाद छोड़ के ना जावे, बंदरन में लुटा दे। एक गोपी बोली, मैया मेरे घर की तो इतनी बड़ी हंडी की लाला ने खा लियो, ग्वाल बालन ने खा लियो, बंदरन ने खा लियो, फिर भी मक्खन बच गो। मैया बोली, तेरे घर को तो मक्खन छोड़ गयो। बोले ना, डंडा लेके आयो ना त्रिभंडम विनती, मटकी फोड़ के भाज गो। और मैया जितनो मक्खन नीचे गिरो, मधुमंगल श्री दामद बोल गो, या को चौका लगा चल, गोपी आवेगी सो रिपट जाएगी, वाकू प्रसाद मिलेगो। अब वो मेरी कमर टूटी भैया, मैया जैसी मेरो पाम धरो बापे, ऐसी रिपटी में सिर घलो नीचे जमीन पे, पाम गिरे कहीं, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां भगवान की शिकायत कर रही हैं, मैया खड़े खड़े सुन रही हैं। मैया उनको तरकीब बता रही है, ऊंचे छीका पे रखो, हमारो लाला ऊंचो नहीं जा पा। मैया 5 ग्वाला, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सबसे ऊपर तुम्हारा लाला खड़ो है जाए, सुई पहुंच जाए छीका पे ऊपर और खा ले। एक गोपी बोली, मैंने तो इतनी ऊंचे छीका पे लटकाई मैया कि ग्वाल बाल भी ना पहुंच सके। मैया बोली, तेरे घर के मक्खन तो बच गए ना, फिर भी खा गए हो। बोले कैसे? बोले इतनो बड़ो मांस लेके चले संग में, मटका के नीचे खड़े है कि यो मारो सो बीच में तो फटको, ओक लगा के सब रो पी गयो, ऐसो उधम मचावे तुम्हारो लाला। और फिर बहुत सारी बातें कहीं, बोले हमारे बालकन को नोच के भाग जाए, हमारी गैयान को खोल के भाग जाए, जा घर ते मक्खन खावे को ना मेरे, वा घर के आगे वो लकड़ी के कंडा जर जाए तो नेक नेक कोयला से बन जाए, उनते बाहर बाहर कछु निशान बना जाए। बोले या घर ते हमको मक्खन नहीं मिलो, अब या घर के लोगन को भी भोजन नहीं मिलेगो। मैया बोली ऐसो करे? बोले हाँ। वैसे तो हम बाहर की कथा में कम बोलते हैं ये बात, पर अभी कम किए, पहले तो बोलता था, पर ब्रज में बोल सकते हैं, मैं हनादि निवासतो। गुरु जी हंस गए क्योंकि जे समझ गए कहा है। एक गोपी कह रही है, बोले मैया तुम्हारो लाला अगर मक्खन खा जाए तो आफत, और याकू अगर हमने खूब व्यवस्था करके अपनी मटकी बचा ली तो आफत। मैया बोले कैसे? बोले अगर हमने अपनी मटकी बचा ली तो तुम्हारो लाला टेढ़ी नजर से देख के हम हमारा भोग नहीं लगायो, अब देखूं तू और तेरे घर के लोग कैसे भोजन करेंगे। मैया बोली तो फिर का कियो? बोले मैया हम सबन के जगवे ते पहले भोर में तुम्हारो लाला हमारे घर आ गो, और भोर में आकर के मैया जाने
अब पूछो मत कहाँ की हो। बोले मैया बोली बता दे कहाँ की हो। बोले जा चूल्हा में सबरे घर को भोजन बने भाई, चूल्हा के ऊपर धोती वोती उतार के बैठ के सब कर आयो, मैं हनादी नहीं वास्तव। सवेरे सवेरे मैया स्नान ध्यान करके मैं जैसे ही रोटी बनावे के काज चूल्हा में बैठी, माँ तो पहले ही कंडा धरे ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। ये बात सुनकर के यशोदा मैया बोली नहीं लाला ऐसा ना कर। बोले मैया हम झूठ ना बोल रही है, लेकिन भैया एक बात कहें, ये सब गोपियां बहाने बना करके गई हैं, ये जबरदस्ती अपनी तरफ से बात लगा रही है, हमारो लाला ऐसा करे ना है, ये जबरदस्ती बोल रही। बोले नेक्सो सो लाला तुतरा के बोले सफाई देना पावेगो। यशोदा मैया डांट भी के काजे हमारे सामने बुलाएगी, उतनी देर लाला को देख लेंगे हम, देखने के लिए गई है। मैया ने डांटते फटकारते लाल जी बुलाए, नेक्स से गोपाल जी अपने पल्ला से उतर के छम छम पायल बजाते भय, नेक्स जी कोंदनी पहन की है, ये छोटा सा पेट निकरो भयो गदमदरा से हाथ, और जे घुंघराले केशन के यहाँ पर गूद बना करके, और वहां में सुंदर मोर पिछ लगो है, आंखन में काजर फैल रहे हो पूरा, सुबह सुबह उठे हैं अभी, आंख खुलना ही रही हैं, और ऐसे मीणते भय आ रहे हैं। बोले मैया रोज गोद में उठावे मुकु, आज नीचे ते चिल्ला रही है। 3.5 बरस के लाला उतर करके आए, और इतनी भीड़ देख करके ठाकुर जी डर के मारे गए दौड़ के यशोदा मैया के आंचल में छिप गए। मैया ने हाथ पकड़े, यहां पे आ, ये का कह रही है गोपी हैं, जाके यहां तेने यूं कियो, जाके यहां यूं कियो, जाके यहां, और वाके यहां तो तू सब कर आयो। ठाकुर जी सब गोपीन को देख रहे हैं, और गोपीन को देख के कह रहे मैया मैं तेरी सौगंध खा के करूं, मुझे जूना पता इनको घर कौन सी गली में, झूठ बोल रही है सबरी, मुझे ना पता मैया ये सब झूठ बोल रही है। अब मैया ठाकुर जी को डांट रही है, और सब गोपियां खड़े खड़े दूर से ही मंद मंद उस छवि को चित्त में बिठा रही है ठाकुर जी को। अच्छा बंधु देखो 3.5 वर्ष के हैं गोपाल जी, और ये सबरी गोपी कोई 60 साल की है, कोई 50 साल की है, कोई 90 साल की है, और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी को ऐसे देखती है जैसे ये हमारे प्रियतम हो। ये काम लीला नहीं है। श्री राधा रमन जी वृंदावन में दर्शन करो, नेक्स से गोपाल जी, वो नेक्स से गोपाल 3.5 वर्ष के लाला ही हैं वो, और उनको देखो एक एक 90-90 वर्ष की बूढ़ी अम्मा होगी, हमें उन्हें देख करके यूं ही करे भलैया ले लें, कैसो प्रियतम हमारो। ठाकुर जी के स्वरूप पर सब मोहित होते हैं, यशोदा जी के सम उम्र की गोपियां भी ठाकुर जी से प्रेम करती हैं। ये काम लीला नहीं है, ये भाव लीला है, ये प्रेम लीला है। अब जब यशोदा मैया ज्यादा डांटने लगी तो सब गोपी बोली अब ज्यादा कछु मत कहो मैया, ठीक है कोई बात ना, है तो हमारो लाला ही। यशोदा मैया बोली जा तो फिर शिकायत मत करे करो, और करें तो मैं डांटू तो रोके मत करो। अच्छा मैया आज मत डांटो, अब बाद में कभी करेगा तो फिर डांट लियो, बस दर्शन है गए सब चल रहे। ऐसी गोपियों का प्रेम। ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे हैं, अब हम थोड़ा ना एक सूक्ष्म में चलें। भगवान की दामोदर लीला हुई, यशोदा मैया ने ठाकुर जी को बांध दिया उखल से, ठाकुर जी उखल लेके आगे बढ़े, दोनों वृक्ष टूट के गिर गए, यमलार्जुन के वृक्ष नलकूवर मणिग्रीव प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। मुझे बहुत प्रिय है श्लोक, इसमें ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए नलकूवर मणिग्रीव कह रहे हैं कि नाथ हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, हमारे कान आपकी कथा सुने, हमारे हाथ आपके सेवा करें, पैर आपकी प्रदक्षिणा करें, हमारा सर्वांगण अंग केवल आपकी सेवा में रहे, और आपके जो संत महापुरुष हैं उनके दर्शन की अभिलाषा चित्त में प्रकट होती रहे, ऐसी भावना। यशोदा मैया ने कही कि बोले अब लाला पे बहुत संकट आ गए, जब ते हम गोकुल में आए कोई ना कोई संकट आते ही रहे, अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम चलेंगे कहां,
नवीन स्थान। तब नंद बाबा के भैया ने एक नवीन वन को नाम बतायो, जाको नाम है वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। हम नित्य वृंदावन को प्रणाम करते हैं। वृंदावन ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। जैसे एक स्थिति या एक स्थान ऐसा हो वहां के लिए हम ऐसा कहते हैं, यहां पे चाहे हमें जैसे रख लो पर इस स्थान में रख लो। कई पहाड़ी इलाके होते हैं वहां हम लोग कह देते हैं चाहे हमको रहने के लिए एक गद्दा मिल जाए, ओढ़ने के लिए एक चद्दर, हम उस स्थान में रह सकते हैं। ऐसी भावना परब्रह्म वृंदावन के लिए रखते हैं। वृंदावन में कैसे भी ठाकुर जी रहना चाहते हैं, वृंदावन से दूर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कु भाए वृंदावन। दो तीन पंक्ति गाओ फिर कथा अभी शेष बची, गिरिराज पूजन करना है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के कहो को लिखा भले ही हमने, पर इस पद की रचना जिन्होंने करवाई वो पर्दा के पीछे बैठे हैं, गिरधर लाल जी। बोल गिरधर लाल प्यारे की। अभी दर्शन होंगे 56 भोग के समय। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट हो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से करवा बेबा, यह आनंद करवा।
ब्रजवासी वृंदावन पहुंच गए। ठाकुर जी को वृंदावन क्यों प्रिय है? क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है। अपने निज कर कमलों से ठाकुर किशोरी जी ने वृंदावन को सजाया, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। ठाकुर जी वृंदावन पहुंचे, वृंदावन जाकर के भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात भगवान ने ब्रह्मा को मोह हुआ, उसके मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, पर ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की एक नहीं सुनी। भगवान के आगे लीला में धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर, अब हम कथा थोड़ी सबको स्पर्श मात्र कर चले। तत्पश्चात आगे दो बार अग्नि वृंदावन में लगी, भगवान दोनों बार पी गए। भागवत का अति अद्भुत गीत यहाँ पर आया, जिसका नाम वेणु गीत है। वेणु गीत पर स्वच्छंद चर्चा एक बार हमने जयपुर में की थी, तीन दिन बहुत सुंदर है वेणु गीत। अक्षणवतां फलमिदं न परं वेदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरन वेणुजुष्टम् गोपियां कहती हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, बोले आपको यदि नेत्र प्राप्त हुए तो इन नेत्रों से, लोग कहते हैं भैया जीवन मिला है एक बार कश्मीर तो घूम के आओ, हैं एक बार नेत्रों से कश्मीर तो देखो, जिसने कश्मीर नहीं देखा वो प्राण त्याग दे उसका जीवन। गोपियां कहती हैं सब व्यर्थ है, संसार को क्या देखना है। बोले आंख मिली और इन आंखों से आपने कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपका जीवन व्यर्थ है। इन नेत्रों से कभी त्रिभंग लली लाल को आपने चलते फिरते उठते बैठते नैन मटकाते नहीं देखा तो आपने क्या देखा। कभी ठाकुर जी की उस अद्भुत छटा का दर्शन नहीं किया तो आपने नेत्रों को पाने का कोई लाभ नहीं लिया। इन नेत्रों को पाने का साफल्य ही क्या है।